बात करेंगे गंगा मैया की, ठीक है। देखो कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है और कार्तिक के महीने में जो पूर्णमासी होती है उस दिन गंगा स्नान होता है। ये कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? देखो पहली बार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। एक राक्षस था त्रिपुरासुर, उसका वध किया तो उनका नाम त्रिपुरारी हो गया। शिव जी का नाम त्रिपुरासुर का वध करने के कारण उनका नाम त्रिपुरारी हो गया। दूसरी बार भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया था इस दिन। भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया था मत्स्य अवतार, इसलिए कार्तिक का बहुत बड़ा महत्व है। और इस दिन देवता लोग दीपावली मनाते हैं। जब दीपावली मनाते हैं देवता लोग तो चारों तरफ दीपक जलते हैं। और हमारे यहाँ बनारस में बहुत समय से दीपावली मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। जहां जहां गंगा जी है वहां वहां दीपावली मनाते हैं गंगा के घाट पर, तो वहां वहां दीपावली मनाते हैं गंगा जी के घाट पर। और गंगा जी तो आपको पता है गोमुख से निकलती हैं और गंगा सागर तक जाती हैं। वंशिका, गंगा जी कहां से निकलती हैं? गोमुख से। और कहां तक जाती हैं? गंगा सागर तक। इतनी लंबी यात्रा करती हैं। गोमुख कहां है? हिमालय पर। हिमालय से गंगोत्री है, गंगोत्री के अंदर गोमुख नाम का स्थान है जहां से थोड़ी सी जगह से गंगा निकलती है और इतनी साफ सुथरी होती है बिल्कुल शीशे की तरह पानी होता है, और वो गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, सागर में मिल जाती है। गंगा जो है वो पवित्र नदी है, इसको जाह्नवी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, सुर नदी भी कहते हैं, देव नदी भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम। और गंगा मैया का जो जल है वो बड़ा पवित्र होता है। हम लोग अपनी बॉटल में भर भर के रखते हैं गंगा मैया का जल, हर काम में कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई भी स्नान कराते हैं तो गंगा जल डालते हैं, उसमें स्नान कराते हैं, पंचामृत में भी गंगा जल डालते हैं। गंगा जल की एक विशेषता क्या होती है सुनो, गंगा जल की एक विशेषता होती है अगर आप पानी थोड़े दिन रख देंगे तो पानी खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा जल कभी खराब नहीं होता। वर्षों तक आप उसको केन में भर के बॉटल में भर के रख दो, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता और वो खराब नहीं होता। और गंगा जी जो है वो हमारे भारत की एक पहचान है। गंगा जी में नहाने से शरीर भी पवित्र होता है, गंगा जल बहुत सी दवाइयों में पड़ता है, गंगा जल से रोग दूर हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ गंगा जी होती है वहाँ वहाँ मेले लगते हैं, लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। हरिद्वार है, बनारस है, इलाहाबाद है, इधर गढ़मुख, हाँ सब लोग जाते हैं। तो इसलिए अब हम लोग जो गंगा जी नहीं जा पा रहे हमें क्या करना चाहिए, जिस दिन गंगा स्नान होगा उस दिन हम अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और जब नहाएंगे तो बोलेंगे गंगे हर गंगे हर गंगे हर, तो हम गंगा जी का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। और अगर हमारे पास गंगा जल भी नहीं है तो नहाते समय आप केवल गंगा जी का स्मरण कर लें, याद कर लें कि गंगा जी कैसी हैं, कैसे कल कल करके बह रही हैं, कैसे वहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। तो जब आप ध्यान में स्नान करोगे तब आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। बोलो गंगा महारानी की जय, बोलो गंगा मैया की जय, गंगे हर गंगे हर गंगे हर।